पटना दानापुर रेल मंडल में कुछ और नई ट्रेन की शुरुआत होने जा रही है और इस वीडियो अपडेट में हम जानेंगे 3 पैसेंजर ट्रेन और 10 एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले, जिससे रेलवे का सारा न्यूज अपडेट आपको मिलता रहे। सितम्बर के पहले हफ्ते में 3 इंटर स्टेट मेमू पैसेंजर ट्रेन और 10 सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन शुरू हो सकता है। 3 शटल ट्रेनों का परिचालन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से झाझा के बीच सुबह और शाम करने की योजना बनाई गई है। संभव है कि एक ट्रेन को गया रूट पर भी चलाया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली और मुंबई के लिए दानापुर मंडल में 6 ट्रेनों का प्रस्ताव भेजा गया है। शुक्रवार को वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में दानापुर मंडल के DRM ने यह जानकारी दी। इस दौरान कहा गया कि ट्रेनों के परिचालन की तिथि अभी तय नहीं है, अभी राज्य सरकार की अनुमति मिलनी बाकी है और सीनियर DCM के आधार पर राज्य में कितनी ट्रेन चलेगी इसकी भी लिस्ट जल्द जारी होगी। पटना जंक्शन और राजेंद्र नगर टर्मिनल पर काफी भीड़ होने लगा है और ऐसे में गृह मंत्रालय को ट्रेनों के परिचालन को लेकर प्रस्ताव भेजा गया था। वहाँ से लिस्ट जल्द ही तैयार करके इन सभी ट्रेनों को पटरी पर उतारा जाएगा। कब से चलेगी इन सभी ट्रेनों का परिचालन और अन्य जानकारी यह भी रेलवे जल्दी अपडेट करेगा और जैसे ही रेलवे इस पर कोई जानकारी देती है तो हम अपने लेटेस्ट वीडियो अपडेट में यह जानकारी आपको सीधे बताएंगे। दानापुर मंडल के अंतर्गत अभी फिलहाल कुछ ही ऐसी स्पेशल ट्रेन चल रही है, आने वाले कुछ दिनों में कुछ और नई ट्रेनें इस रूट पर चलेंगी। तो यह था आज का अपडेट। आने वाले नेक्स्ट वीडियो अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।